कल हमने बात की थी फ्लोटस के बारे में, आज हम फ्लैशेस को देखेंगे। इसमें हमें महसूस होता है जैसे किसी ने हमारी आंखों के सामने रोशनी चमका दी हो। फ्लैशलाइट ओल्ड एज में तो कॉमन होती है। फ्लैशेस आती हैं जब हमारा विट्रियस रेटना के अगेंस्ट रब करता है, फिर हमें फ्लैशेस इनमें से किसी एक तरह से दिखती है। फ्लैशेस को हमें हमारे सिर पर लगी चोट की वजह से भी महसूस कर सकते हैं, जो कि हमारे विट्रियस को शेक कर देती है, हिला देती है। और अगर ये सिम्टम तेजी से आते हैं तो इसका मतलब है कि विट्रियस ने हमारी रेटना को डिटैच कर दिया है। इस कंडीशन में विजन हमेशा के लिए भी खराब हो सकता है। यदि आपकी आंखों के सामने आपको फ्लैशेस महसूस होती हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना कीजिए और तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि कभी कभी फ्लैशेस कुछ मिनटों या घंटों के अंदर ही हमारे रेटना को डिटैच कर सकती हैं। चेकअप करने के बाद अगर हमारे आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि इन फ्लैशेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप कुछ प्रिकॉशंस जो आपके डॉक्टर बताएंगे उन्हें ले सकते हैं, जैसे कि हैवी वेट ना उठाना या तेजी से सीढ़ियां ना उतरना। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये काफी सीरियस कंडीशन की वजह से फ्लैशेस आ रही हैं, तो आपके डॉक्टर जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करें, जिसमें कि लेजर ट्रीटमेंट से लेके या ठंडी सिकाई और या फिर कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको उनका कहना तुरंत मान लेना चाहिए। इसके अलावा हम यदि बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हों, स्मोकिंग छोड़ दें और धूप में जाते वक्त यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस पहने, तो भी इन कंडीशंस में हमें काफी फायदा होता है। सो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर आईज रेगुलरली एंड अटेंड टू फ्लैशेस इमीडिएटली। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।